आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारा रील्स अपलोड कर दिया, डाल चुके हैं और उस पर अभी तक अच्छे खासे व्यूज नहीं आए। तो गाइज आज मैं जो सेटिंग और जो तरीका बताने वाला हूँ अपलोड करने का, सही तरीका जो बताने वाला हूँ, आप उससे ना केवल एक रील्स अपलोड करके देख लेना और जो आप पहले से अपलोड करके रखे हो वो दोनों को कंपेयर कर लेना किसका ज़्यादा व्यूज है। बस जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, आप उसे एक बार यूज करके देख लेना, बाकी बाद में करना या ना करना एक बार जरूर करना। और अपने जो आप अपने से अपलोड करते थे और जो मेरे बताए से हुए अपलोड कर रहे हो वो दोनों में कंपेयर कर लेना किस पे ज़्यादा व्यूज आया। आपको मैं 100% बताऊंगा कैसे आपको सही तरीके से रील्स अपलोड करना है, कैसे रील्स बनाना है, किस आइडियो पे बनाना है, कौन सा ट्रेंडिंग आइडियो है, ये सब इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग जानते हैं इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डर पर और वहाँ आपको बताएंगे कैसे रील्स अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है और ना जो आइडिया है उसे प्रोफेशनल कैसे बनाएं। और आईडी में कुछ सेटिंग होता है जिसे आप लोग ऑफ करके रखते हो, इसीलिए हमारा रील्स जो है ना वो आगे तक जा नहीं पाता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन आ नहीं पाता है। तो आज गाइस मैं आपको सब सेटिंग बताऊँगा और रील्स अपलोड करने का सही तरीका भी बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने ऐसे अपना आईडी बनाया होगा और उस पर ना ऐसे रील्स बहुत सारा अपलोड कर दिया होगा और अपने आईडी पे कुछ ना कुछ सेटिंग किए होंगे, ना आपको रील्स सही तरीका से अपलोड करना आता होगा, इसीलिए आपके जो रील्स है उस पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, वायरल नहीं हो रहा है, यही कारण है। तो आपको करना क्या है, कैसे अपलोड करना है, सही तरीका क्या होता है अपलोड करने का और आईडी पे क्या सेटिंग करें। आपको सेटिंग नहीं मालूम होगा, आपको दो सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो रील्स होता है उसे वायरल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला नंबर हम सेटिंग की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपलोड कैसे करें उसका बात करूंगा। तो आपको सेटिंग करना क्या है, यहां आपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद यहां आपको ऊपर दिखाई देगा थ्री डॉट, आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर लेना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा अकाउंट टाइप एंड टूल्स। यहां देख सकते हैं आपको यहां अकाउंट टाइप एंड टूल्स दिखाई देगा, जो कि आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। और यहाँ आपको फर्स्ट वाला पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट है, ऐड ए न्यू प्रोफेशनल अकाउंट। अब ये जो सेटिंग है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे वीडियो पे इंप्रेशन भेजने का, मतलब तभी हम इंस्टाग्राम हमारे रील्स पे इंप्रेशन भेजता है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट जो है ना इसे क्या करना है, इसी पर क्लिक कर लेना और यहाँ आपको कंटिन्यू कर देना है, फिर से कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू ऐसे कर देना है। करने के बाद यही सेटिंग होती है, ये सेटिंग आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको करना क्या, अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, आप क्या है, आपको या आर्टिस्ट हैं या ब्लॉगर हैं या क्लोथिंग हैं या डिजिटल क्रिएटर हैं या एजुकेशनल या हेल्थ ब्यूटी हैं, मतलब अपने जो अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर कौन सा वीडियो डालेंगे, हेल्थ या ब्यूटी डालेंगे कि एजुकेशनल वीडियो डालेंगे कि आप खुद का वीडियो बना के डालेंगे। तो अगर आप डिजिटल क्रिएटर हैं तो मैं डिजिटल क्रिएटर पे क्लिक कर ले रहा हूँ। तो आपको यहाँ डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल दिखाई देगा आपको ऊपर, तो आपको इस पर क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। इसे ऑन करने से क्या होता है, हमारा जो अकाउंट है ना, हमारा जहाँ पर बायो होता है वहीं पर ये शो होगा डिजिटल क्रिएटर, जो यहाँ से मैं सिलेक्ट करा रहूँगा। तो यहाँ आपको कर लेना है डन। अब जैसे यहाँ से डन कर ले, जैसे यहाँ पर डन करेंगे तो आपको 30 सेकंड टाइम लेगा और ये आपका क्या होगा, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 30 सेकंड का नीचे आपको वेट दिखाई दे रहा है। तो ये जो है अब यहाँ आपको करने के, यहाँ आपको क्रिएटर हैं या बिजनेस हैं, अगर आपकी कोई शॉप है जैसे मेडिकल स्टोर है, आप उसके बारे में अपने इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं। अगर आप क्रिएटर हैं, अपना इंस्टाग्राम पर खुद का रील्स बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो आपको क्रिएटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे यहाँ क्रिएटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं चेंजेस टू योर सेफ्टी सेटिंग। तो आपको यहाँ क्या कर लेना है, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ देख सकते हैं प्रोफेशनल ईमेल्स, यहाँ आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आप ईमेल यहाँ नोटनो पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बिल्कुल यहाँ से बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद जैसे मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ एक डैशबोर्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा। अभी देख सकते हैं कुछ नहीं शो हुआ है ना, अब यहाँ डैशबोर्ड का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जैसे रिफ्रेश किया और यहाँ दिखाई देगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड और इसके ऊपर दिखाई देगा डिजिटल क्रिएटर, जो वहाँ से मैं सिलेक्ट किया था। तो यहाँ से ऐसे आपको वहाँ पर जो भी आप हो उसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड
को ओपन कर लेना जो सेटिंग अभी मैं बताया हूँ। अब गाइस यहाँ आपको करना क्या है, दूसरा सेटिंग क्या है कि अगर आपका जो अकाउंट है प्राइवेट है, या देख सकते हैं अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो उसे पब्लिक कर लेना, तभी आपका रील्स वायरल होगा। यहाँ पब्लिक अकाउंट प्राइवेसी पे क्लिक करके उसे पब्लिक कर लेना। पब्लिक करने के बाद अब गाइस आपको मैं बताता हूँ, यहाँ अपना बढ़िया से नाम लिख लेना, और यहाँ मैंने ये नया अकाउंट बनाया है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ नाम बायो रख लेना है। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बिल्कुल बैक आ जाना है। अब गाइज आपको रील्स कैसे अपलोड करना है, सही तरीका क्या होता है रील्स अपलोड करने का, बहुत से सारे लोग रील्स सही तरीके से अपलोड नहीं कर पाते, जिससे उनका एक भी रील्स वायरल नहीं होता है और अच्छे खासे व्यूज फॉलोअर्स कुछ नहीं बढ़ता है। तो आपको करना क्या, सही तरीका क्या होता है, पहले आपको देख लेना ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा है। अगर आप जब भी अपने इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करें तो ट्रेंडिंग सॉन्ग को देखकर ही अपलोड करें। अगर ट्रेंडिंग सॉन्ग पे अपलोड करते हैं तो ट्रेंडिंग सॉन्ग जो होता है सभी जो भी इंस्टाग्राम यूज कर रहा है उस पर शॉर्ट फीड पे भेजता है आपका वीडियो, अगर पसंद आएगा तो लाइक करेंगे फॉलो भी करेंगे। तो आपको यहाँ कैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग कैसे पता लगाना है, अब यहाँ आपको गाइस नीचे दिखाई देगा जो सॉन्ग अभी चल रहा है, यहाँ आपको एक एरो दिखाई देगा ऊपर की तरफ ना, यहाँ देख सकते हैं ट्रेंडिंग सॉन्ग है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ आपको दिखाई देगा ट्रेंडिंग सॉन्ग, यहाँ देख सकते हैं एरो ऊपर है और ट्रेंडिंग सॉन्ग है 80.4 के वीडियो इस पर बन चुका है, रील्स बन चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है, और यहाँ आप और कोई रील्स देखेंगे यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं है, इस पर इसके सॉन्ग पर कोई एरो एरो नहीं है। तो इसको आप इस रील्स इस म्यूजिक पर आपको रील्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ट्रेंडिंग म्यूजिक पर रील्स बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी यहाँ ट्रेंडिंग होगा उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब देख सकते हैं ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है, तो आपको मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यूज आइडियो लिखा है, यूज आइडियो पे क्लिक करके अपना रील्स अपलोड कर लेंगे, अपना रील्स बना लेंगे, जो भी आपको रील्स बनाना हो यहाँ यूज आइडियो पे क्लिक करके अपना रील्स शूट कर लेना है। शूट करने के बाद गाइस यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ सेव वाला आइकन दिखाई देगा, आपको सेव कर लेना है पहले, तब आपको रील्स शूट करना है। शूट करने के बाद अब यहाँ आपको एक जब आप शूट करेंगे, शूट करने के बाद आपको राइट साइड में आपको एक डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, एरो दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करके उस रील्स को डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन गैलरी में। अगर आप कोई भी रील्स एडिट करने के लिए कोई ऐप्स यूज करते हो तो उससे आपको करना क्या है, उससे आपको एडिट कर लेना है बढ़िया तरीके से, उस रील्स को एडिट कर लेना है। अब यहाँ से अपलोड कैसे करना है, अगर आपको एडिट नहीं करना आता है तो मुझे कमेंट करो, मैं उस पर फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ आपको करना क्या है, अब रील्स कैसे अपलोड करना है, वो जो आप अपने गैलरी में डाउनलोड कर लिए हैं रील्स बना के डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद अब यहाँ आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, अब जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रील्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ से उस रील्स को सिलेक्ट कर लेना है जो रील्स अभी आप शूट की हो। तो यहाँ से मैं उस रील्स को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जो अभी मैंने इंस्टाग्राम से उसे बना के शूट किया और उसे डाउनलोड किया फोन गैलरी में। तो उसे यहाँ जैसे आप करोगे ना, अब जैसे आप खुद अपना वॉइस खुद का दे रहे हो, खुद आप बोल के बता रहे हो लोगों को, या आप एक्टिंग कर रहे हो, अगर एक्टिंग कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो, अगर आप अपना वॉइस खुद का दे रहे हो अपने वीडियो में, तो आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग तब आप कैसे लगा सकते हो, अब यहाँ देख सकते हो दोनों आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो या आप खुद का वॉइस दे रहे हो तो आपको करना क्या है, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का वॉइस है ये ना, यहाँ म्यूजिक बज रहा है, अगर आपको ये ट्रेंडिंग सॉन्ग है, अगर आपको यहाँ पर क्या म्यूजिक दिया है आपको म्यूजिक पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ आपको सेव्ड वाले आपको आइकन पे क्लिक कर लेना है। अब वहाँ से जो आप वीडियो को जो ऑडियो को सेव किए होगे यहाँ पर शो हो जाएगा, और उस ऑडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डन कर देना है। अब इसमें आपका ट्रेंडिंग म्यूजिक भी है और आपका खुद का वॉइस भी है, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो खुद का वॉइस नहीं दे रहे हो तो ठीक है, आप डाउनलोड अपलोड कर सकते हो, अगर खुद का वॉइस से तब कैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग पे अपना रील्स अपलोड करें। तो यहाँ आपको दिखाई देगा ऐसे, जैसे आप इसे स्वीप अप करोगे ऐसे थोड़ा करोगे तो यहाँ आपको नीचे तीन ऑप्शन दिखाई देगा, तीन चार ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं क्लिप ऑडियो और ओरिजिनल ऑडियो, मतलब क्लिप ऑडियो मतलब जो आपका रील्स है उस पर आपका जो खुद का वॉइस है उसे आप यहाँ म्यूट किया हुआ है, तो आपको करना क्या है यहाँ ट्रेंडिंग ऑडियो जो है उसे म्यूट कर देना है और अपना खुद का वॉइस यहाँ पर पूरा ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो अब आपका जो ट्रेंडिंग ऑडियो है ना वो आपके वॉइस में तो है, जो आपका ट्रेंडिंग आइडियो है वो उस पर आप वीडियो बना लिए हो, यहाँ आप खुद का वॉइस दे रहे हो, तो इसके मतलब जो भी इस ट्रेंडिंग आइडियो जो भी ट्रेंडिंग वीडियो जिसके पास जाएगा वो
आपका वीडियो भी जाएगा, खुद का जो वॉइस है उसके पास जाएगा, और अगर आपका वीडियो अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक करेगा, फॉलो भी करेगा। तो यहाँ इसका कहने का मतलब कि हमारा जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है उसमें मेरा रील्स भी बन गया और मेरा खुद का वॉइस भी बन गया है। इससे क्या होता है, हमारे रील्स पर अच्छे खासे व्यूज आने के चांस होते हैं। अब यहाँ से आपको करना क्या है, अब यहाँ से आपको ऐसे शिफ्ट अप कर लेना है, शिफ्ट डाउन कर लेना है, और यहाँ आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से क्लिक करने, अब यहीं से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत गड़बड़ी करते हैं अपलोड करने में। अब यहाँ आपको टाइटल देना है, जो भी आपका वीडियो का टाइटल, तो आपको भी ऐसे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद अब यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ देख सकते हैं टाइप कर लेना है। अब टाइप करने के बाद आप यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपको 2-3-4 हैशटैग लगाना है। अब आपको ट्रेंडिंग हैशटैग मिलेगा कहाँ से, अब यहाँ आपको बैक आ जाना है, बिल्कुल बैक आ जाना है, और यहाँ आपने क्या अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ आपको सर्च कर लेना है क्या, AI हैशटैग। यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ AI हैशटैग। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ देख सकते हैं, इसमें से कोई भी आप एक इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ मैं करके रखा हूँ, यहाँ इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको दिखाई देगा क्या, सर्च वाला आइकन, यहाँ देख सकते हैं ये सर्च वाला आइकन आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको सर्च करना क्या है, जिसके रिलेटेड आपका रील्स हो, जैसे आपका रील्स है, कोई भी आप आइडियो पे, कोई भी म्यूजिक पे आप रील्स बनाए हो और उसी का हैशटैग लेना चाहते हो, तो यहाँ उस सॉन्ग को क्या कर देना है, यहाँ टाइप कर देना है। जैसे मैं भोजपुरी सॉन्ग पर रील्स बनाया हूँ तो यहाँ उसको टाइप कर देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं भोजपुरी। यहाँ जैसे मैं टाइप करूँगा, यहाँ सर्च कर लेता हूँ, और यहाँ पर बहुत सारा क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा हैशटैग आ गया। अब इसे करना क्या है आपको, यहाँ देख सकते हैं कॉपी दिखाई देगा, आपको कॉपी पे क्लिक कर लेना है। अब कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बिल्कुल बैक आ जाने के बाद अब यहाँ आपको अपने इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। आपको इंटर करके 2-3 बार इंटर करके और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारा ट्रेंडिंग हैशटैग यहाँ पर शो हो जाएगा और लग जाएगा। इसे ट्रेंडिंग हैशटैग आपका रील्स उस ऑडियंस के पास पहुँचाएगा जो भोजपुरी से एक्टिव होंगे, जो भोजपुरी से रिलेटेड और रील्स देखते होंगे, तो उनके पास पहुंचाएगा। अब यहाँ आपको करना क्या है, अब यहाँ आपको नीचे दिखाई देगा टैग पीपुल आइडियंस, यहाँ आपको आइडियंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं एवरीवन या क्लोज फ्रेंड, तो यहाँ आपको एवरीवन पे क्लिक करके डन कर देना है। अब यहाँ आपको दिखाई देगा ऐड टॉपिक, यहाँ ऐड टॉपिक आपको 3 टॉपिक ऐड कर लेना है, जो जिससे आपका रिलेटेड वीडियो, तो आपको 3 टॉपिक ऐड कर लेना है जिससे रिलेटेड आपका रील्स हो। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, आपको अपना जो कैटेगरी है उसको सर्च करके, जो भी रील्स हो उसे सर्च करके, और यहाँ आप 3 टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना है। उसे टॉपिक क्या होता है कि हमारा जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है वो उस ऑडियंस के पास पहुँचाता है, जो ऑडियंस जिसके रिलेटेड वीडियो को देखते हैं। जैसे कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास अगर आपका कॉमेडी वीडियो रील्स है उनके नीचे आपका वीडियो दिखाई देगा जैसे वो स्किप अप करेंगे। तो गाइस आपको क्या कर 3 टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना है, मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, नहीं आपको मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ आपको आ जाना है ऐड लोकेशन, अगर आप अपने एरिए के लोग को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऐड लोकेशन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ आपको दिखाई देगा शेयर टू, अगर आप फेसबुक पे भी शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऑफ कर लेना है, और यहाँ आपको दिखाई देगा नेक्स्ट कर देना, और यहाँ आपको शेयर कर देना, और ये आपका रील्स जो है आपके इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएगा, और उसके आप 10 घंटा या 5 घंटे के बाद देखना, तुरंत मत देखना, और अपने जो रील्स है अपने आईडी पे खुद से अपने रील्स को मत देखना, दूसरे के फ़ोन से देखना, तो जाके आपका रील्स जो है अच्छा खासा उस पर व्यू जाएगा। तो गाइज वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।